ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित सिंह पहुंचे अजमेर। अजमेर जिला परिषद सभागार में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं के लिए समीक्षा बैठक। संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। रोहित सिंह ने बैठक के दौरान योजनाओं की पंचायत समितिवार समीक्षा बैठक ली। उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना में मजदूरी दर कम आने तथा राजीविका मिशन के तहत कम प्रगति को लेकर नाराजगी प्रकट की। समीक्षा बैठक में मनरेगा कमिश्नर पीसी किशन भी मौजूद रहे। रोहित कुमार और पीसी किशन के अजमेर पहुंचने पर जिला सरपंच संघ की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया गया। राजस्थान सरपंच संघ के संरक्षक महेंद्र सिंह मजेवला, प्रदेश मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, अजमेर जिला सरपंच संघ के संरक्षक विजय कुमार पाराशर के साथ जिले के सरपंचगण इस दौरान मौजूद रहे। ये संभाग स्तरीय क्या दिशा निर्देश दिए गए आज? जो ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको त्वरित गति से हम इंप्लीमेंट करें, जो हमारे टारगेट्स हैं उनको पूरा करें, ताकि जिस उद्देश्य से योजनाएं बनाई गई हैं उसका जो बेनिफिट है वो आम जन तक जल्दी से पहुँच सके। आयोजन हुआ है, क्या प्रमुख मुद्दे रहे, क्या निर्देश जारी किए गए? ये टोटल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का जो भी स्कीम्स आए उसका प्रोग्रेस रिव्यू था। कोई भी इशूस मुद्दे आते हैं उसका मतलब उसका समाधान का ये सब इशूस था। जैसे जो जो स्कीम्स आए उसमें नरेगा, राजीविका, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, हाँ, FFC, SFC, ये पंचायतीराज का स्कीम्स सबका मतलब आज रिव्यू किया गया। वैसे तो ये चार जिला जो सब होते हैं, मतलब अजमेर डिवीज़न जो में आते हैं उसमें भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर और टोंक, नॉर्मली ये सब स्टेट में उनका रैंक्स बेटर है, अच्छा परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्स है। तभी कुछ कुछ इशूस, जैसे नरेगा में हम पूरा देश में नंबर वन है, बहुत अच्छा मतलब प्रगति है, किंतु मतलब कुछ कुछ इशूस, जैसे अभी हमारा वेज रेट वाला समस्या है, पूरा काम पूरा दाम अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि टोटल जितना मतलब टास्क का अनुरूप इनको वेज दिया जाता है, तो कुछ अजमेर में अजमेर जिला का वेज रेट बहुत कम है, तो उसको इम्प्रूव करने को लिए पूरा काम पूरा दाम अभियान को ज़्यादा सक्सेसफुल करना एक महत्वपूर्ण मतलब कार्य है। साथ साथ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का अभी मार्च एंडिंग है, तो काफ़ी सारे अपूर्ण जो मतलब घर सब है, आवास है, उसको पूर्ण कराना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी हम देश में अभी नंबर टू सेकेंड पोजिशन में है, बहुत अच्छा काम मतलब उसमें हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मतलब सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब जो कचरा निस्तारण वाला चीज़, गीला कचरा, सूखा कचरा टाइप का जो मतलब आपका करके उसको जो निस्तारण करते हैं, उसमें SLWM प्रोजेक्ट्स जो बना है, DPR बना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा मतलब चीज़ रहा है। और पहले पुराना बहुत सारे परिवार, जैसे ODF डिक्लेयर तो हो गए, लेकिन बहुत सारे परिवार सोचो शौचालय से वंचित है, तो उसमें भी शौचालय बना करके पूरा रियल ODF बनाने का भी मतलब चीज़ सबको रिव्यू किया गया। अब ज़्यादातर बहुत सारे चीज़ में मतलब भीलवाड़ा और नागौर ये सब थोड़ा एडवांस जिला सब है, उनका प्रगति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और टोंक थोड़ा काफ़ी बैकवर्ड है। सर, एक काम चार काम लेकर के भी सरकार काम कर रही है नरेगा के तहत, किस प्रकार जैसे काम हो रहे हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट? जैसे एक ग्राम चार काम में बेसिकली प्रत्येक गांव में, मतलब हमारा टोटल 10,000 करीब पंचायतें हैं और 40,000-45,000 करीब हमारा राजस्व ग्राम है, तो हर एक गांव में चार काम विशेष रूप से किया जा रहा है, चारागाह विकास, खेल मैदान विकास, आपका स्मशान विकास और माने तालाब, मॉडल तालाब का विकास। तो ये सब चीज़ में काफ़ी मतलब ग्राम पंचायत लेवल तक तो हो गया है, 10-10, 12-12 हज़ार काम स्वीकृत हुए हैं, फील्ड में मतलब 8-10 हज़ार काम कंप्लीट भी हुए हैं, और ये कन्वर्जेंस का आधार पे काम हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ नरेगा से अनुमत है उसको नरेगा से कर रहे हैं, कुछ जैसे सोचे खेल मैदान में फुटबॉल का सोचो गोल पोस्ट बनाते हो तो वो आपका नरेगा से नहीं हो सकता है, तो उसको MLA से बना देते हैं। सोचो स्मशान का विकास का अंदर में बाउंड्री वाल हमारा नरेगा से स्वीकृत नहीं है, तो उसको दूसरा कोई स्कीम के द्वारा करा देते हैं। ऐसे करके अभिसरण का माध्यम से ये चीज़ हो रहा है और बहुत पॉपुलर जन मतलब काम रहा है। नरेगा के अंदर भुगतान नहीं आ रहा पक्के कामों को लेकर, और न ही अभी तक ये वित्त आयोग का गठन हो पाया है, ये सब तो समस्या है ही। मतलब नरेगा में जो सामग्री का भुगतान 1.5 साल से लंबित है,
इसी बार जैसे कोरोना का क्राइसिस का समय, मतलब नरेगा में डिमांड बहुत बढ़ गया। जैसे सोचिए पूरा भारत सरकार में भी आप देखेंगे 60,000 करोड़ का बजट था, फिर 65,000 करोड़ का बजट था, 40,000 करोड़ सरकार एक्स्ट्रा दिया इसको, तभी भी वो भी थोड़ा कम पड़ा है। तो अभी इस महीना का एंड तक सामग्री का भुगतान के लिए बजट उसमें आ जाएगा। सर, राजस्थान सरपंच संघ ने ये मांग कही थी कि जो भी शिकायतें हैं वो स्टाम्प के आधार पर ली जाए, लेकिन उसके बावजूद बिना स्टाम्प पेपर पर जो शिकायतें आ रही है उसकी भी चर्चा की जा रही है। वैसे तो पहले से ही मतलब राजस्थान में एक परंपरा है, कोई भी शिकायत आता है तो उसका जांच होता है। ये ऐसे देखने से अच्छा भी है, लेकिन इसमें झूठा शिकायत भी आता है, जिसका लिए सरपंच संघ का जो डिमांड था कि स्टाम्प पर आधारित मतलब चीज़ को ही जांच किया जाए। धीरे धीरे इसको डायरेक्शन तो जारी हुआ है कि केवल स्टाम्प से जो अभी मतलब शिकायत आता है उसका ही जाँच किया जाए, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन इशू है। कुछ कुछ जगह में यदि बिना स्टाम्प का भी जांच कर रहे हैं, उसका पर हमारा ऊपर से एनफोर्समेंट का अभाव है, हम उसको करेंगे।